2010 की गाड़ी विथ लाइफ टाइम टैक्स, फास्ट ओनर गाड़ी, ये मैं आपको दे दूंगा 1,30,000। भी मतलब बहुत यूनिक है, बहुत यूनिक है और मैं मतलब सच में बहुत दिन बाद देख रहा हूँ, मतलब देखा ही नहीं हूँ। पावर ज्यादा मिलता है 1.5 में। 2011 का गाड़ी कितना होना चाहिए? टैक्स आने वाला नहीं, लाइफ टाइम टैक्स है। अच्छा, बम्पर टू बम्पर ओरिजिनल पेंट में है, ओरिजिनल पेंट में, नॉट ए सिंगल पार्ट टचअप हुआ। बड़ा तो कुछ बोलना नहीं है। हाँ। जो प्राइस हम डायरेक्ट बताते हैं सिर्फ और सिर्फ 3,000। आप नंबर देखे भी ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। हाँ। गाड़ी टॉप मॉडल है कि नहीं, मतलब तो पहले वाला बेस्ट था ना, ये अभी होने वाला, ये वाला मुझे तो बेस्ट लगा। वेलकम गाइस, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज मैं आ गया हूँ न्यू अलीपुर में इनकोर ऑटोज में, और आज भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ काफी मिड रेंज वाली अच्छी अच्छी गाड़ी, और एक कार ऐसी भी होगी जो आपको काफी अच्छे प्राइस में मिलेगी जो कि कम बजट की होगी। और साथ ही साथ आज हम बहुत सारे डस्टर, i20 स्विफ्ट वगैरह आपका, उसके अलावा ब्रियो, होंडा की भी कुछ गाड़ियाँ हैं, हर कंपनीज की कार आज हम आपको दिखाने वाले हैं, वो भी जो प्राइस होती है आपको पता ही है इनकोर ऑटोज में क्या प्राइस होती है। तो चलिए मिलते हैं सबसे पहले अजीज भाई और दीप भाई से। नमस्कार। नमस्कार। तो आप लोग स्वस्थ होंगे, राजीव भी अच्छे होंगे, क्या बात है, आप कैसे हैं बताइए? बस मैं भी ठीक हूँ। बिल्कुल, काफी दिनों से लोग वेट कर रहे थे इनकोर ऑटोज। क्या है, हम लोग का थोड़ा इस बार आने में लेट हो गया क्योंकि यहाँ पे पूजा था, तो दुर्गा पूजा, काली पूजा, पार्किंग के बहुत प्रॉब्लम हुआ था। यहाँ पे काफी ग्रैंड तरीके से होता है, राइट, बहुत बड़ा पूजा, सुरुचि संघों का मतलब बहुत नाम है, तो इसीलिए हम लोग थोड़ा पोस्टपोन किया। बिल्कुल सही बात है, ठीक से नहीं होता। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूंगा, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि तुम्हारा नया वीडियो आने वाला है, वो भी एक अच्छा चीज है। दो अच्छा चीज है, एक तो छठ पूजा के टाइम पे आ रहे हैं, और दूसरा हम लोग का वीडियो रिलीज होगा उसके बाद ही, दूसरे कल ही आने वाला। फर्स्ट जो एल्बम था ना, इससे हाँ। भी बहुत अच्छा लगा आपका जो ट्रेलर देखा। हाँ, हाँ। वो फर्स्ट हम सफर वाला से जो म्यूजिक अच्छा, है वाला मुझे तो बेस्ट लगा, देख के समझ में आ गया कि पूरा वीडियो कैसा होने वाला है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ये वाला सेकंड वाला वीडियो मैं तो बहुत ईगरली मतलब वेट कर रहा हूँ कि ये वीडियो कब आए। कल ही आने वाला है, कल ही आने वाला है, तो जरूर आप लोग देखिएगा। फिर अब अपना शुरुआत करते हैं। क्या आज दिखाने वाले? हैचबैक, सेडान, एसयूवी, एमयूवी, एमयूवी, ऑल सेगमेंट का गाड़ी दिखाएंगे। अच्छा, लो बजट, मिड रेंज सब दिखाएंगे। क्या बात है, आज सब दिखाने वाले। आई होप कि हम लोग का कलेक्शन अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा, आगे का वीडियो जो है वो अजीज भाई कंटिन्यू करेगा, बाद में फिर मुलाकात। अच्छा, चलिए फिर शुरुआत करते हैं i10 से। तो ये i10 के बारे में है, पहले ये बताओ कि ये कंपनी भी वाली है ना? रूफ को आफ्टर मार्केट तो करा है। व्हाइट गाड़ी का जब भी रूफ ब्लैक हो जाता है तो उसका मेरिट बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है, लुक ही बदल जाता है। खास बात तो बहुत सारा है। हाँ। गाड़ी पेट्रोल है 2015 का है, 2025 तक रोड टैक्स पेड है। क्या बात है, इसका अलॉय भी एक बार देख लो भाई, कमाल की है। खुला हुआ है, आस्था है एंड ऑप्शनल है। क्या बात, पुश बटन स्टार्ट होगी इसमें, आपको पुश स्टार्ट मिल जाएगा। और जैसे कि टॉप मॉडल है तो आपका स्टीयरिंग में कंट्रोल्स मिल जाएगा, कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम तो है, अंदर से ORVM कंट्रोलर है, ऑटोमेटिक ऑटो फोल्डेड मिरर मिल जाएगा। देखिए, चाइल्ड लॉक, सेंट्रल लॉक और ऑल फोर पावर विंडोज का तो कुछ बोलने का नहीं है। बैक से देख लेते हैं, मिडिल वाली भाई गाड़ी देखिए, तो गाड़ी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा और सुपर मिंट कंडीशन में है। सही बात है, एक बार आस्ट्रा जो लोगो है वो भी देख लो भाई। मैं 1.2 लीटर का इंजन आता है इसमें, मतलब बहुत सही। देखिए, i10 एक छोटा गाड़ी होने के बाद भी काफी पावरफुल और काफी कंफर्टेबल गाड़ी है, राइट, तो चलाने में भी बहुत मजा। किलोमीटर क्या बताया था आपने? किलोमीटर, हाँ, किलोमीटर और एक प्लस पॉइंट है इसका, बहुत ही ज्यादा कम चला हुआ है, अराउंड 37,000 to 38,000 गाड़ी चला हुआ है कंपनी रिकॉर्ड के साथ, आप देख सकते हैं। बिल्कुल, तो चलिए प्राइस में आते हैं। प्राइस जो है, प्राइस भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव होने वाला है। एक्स्ट्रा फिटिंग्स गाड़ी में बहुत दिख रही है, ये क्रोम वगैरह किया हुआ है, 25 तक रोड टैक्स भी मिल जाएगा। हाँ। और टॉप एंड वेरिएंट स्टैक बटन के साथ गाड़ी का प्राइस होने वाला है सिर्फ 3,80,000 में। अच्छा। ये i10 आप अपना बनाइए, 14 की टॉप एंड वेरिएंट, 15 का 25 का गाड़ी है, 5,000 का भी मार्केट में शायद 4 के आसपास चल रही थी। जी हाँ, 380, ठीक है। अब आगे चलते हैं, i20 है और डस्टर भी है।
आई20 है, गस्टर है, सिटी है, उसके बाद भी सिटी है, उसके बाद भी सिटी है, उसके बाद भी सिटी है, उसके बाद काफी सारा गाड़ी है। अरे क्या बात है, सिटी का तो आपने लाइन लगा दिया है। तो ये i20 देखिए, ये भी i20 है, जैसे कि हम बताएंगे आज हम लोग जितना गाड़ी दिखाएंगे ज्यादातर टॉप एंड वेरिएंट या टॉप एंड से नीचे जो वेरिएंट आता है टॉप मॉडल में, वो टॉप मॉडल में आता है। तो ये भी स्पोर्ट्स होने वाला है। 2010 का गाड़ी है, पेट्रोल वेरिएंट है एंड ये स्पोर्ट्स है। स्पोर्ट्स वेरिएंट में आपको क्या होता है, इंडिकेटर मिल जाते हैं आपको ओआरवीएन में, जो कि ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। अगर इंटीरियर देखेंगे तो यहाँ पे आपको ऑल फोर पावर विंडोज, ऑटो मिरर कंट्रोल, ऑटो फोल्डेड मिरर आ जाता है इसमें। अच्छा, स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल्स मिल जाएगा स्टीयरिंग में, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी भी मिल जाएगा, कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम है एंड i20 का एक अलग ही स्वैग होता है, स्वैग है आप बोल सकते हो। गाड़ी चलता है बहुत एकदम रास्ता पकड़ के चलता है। मिडिल वाले में भी अच्छी रूम मिलती है भाई, लेग रूम आराम से। तीन जन अगर हेल्दी इंसान रहेगा तो आराम से, हैचबैक होने के बाद भी आपको ये मैगना है क्या, ये स्पोर्ट्स है, ये स्पोर्ट्स वेरिएंट है, टॉप मॉडल है। एक बार पीछे से भी देख लो, अलॉय व्हील भी मिल जाएगा। अगर आप इसके चारों टायर देखेंगे तो ऑल फोर टायर्स आर इन गुड कंडीशन। सामने का टायर एक बार दिखाइए, सामने का एक बार देख लो, तो टायर कंडीशन भी काफी अच्छा है। गाड़ी हम लोग के पास आया है ओरिजिनल पेंट में है, ओरिजिनल पेंट में, मेजॉरिटी गाड़ी ओरिजिनल पेंट में है। आप वीडियो में शायद देख सकते हो जी, बट एक चीज़ हम रिक्वेस्ट करेंगे, आप एक बार फिजिकली आ जाइए। फिजिकली आके जब तक आप गाड़ी देखेंगे नहीं तो आप शायद कैमरा जज नहीं कर पाता है। बिल्कुल ठीक है। सो प्राइस में आते हैं, इसके प्राइस इसका काफ़ी अट्रैक्टिव होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ 2,25,000 में, 10 का 25। हाँ, कब का बताया था, 10 का 25 ना, हाँ वही 25 आपको मिल जाएगा 225 में। अच्छा, अब आ जाते हैं ये डस्टर के पास। तो डस्टर को लेके काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा ये चल रहा है प्राइसिंग को लेकर मार्केट में, तो आज क्या बताना चाहेंगे डस्टर के बारे में, कुछ अलग होगा हटके प्राइस। देखिए, आप कुछ भी अगर कुछ लेने जाते हो आपको सेम प्रोडक्ट पांच जगह जाओगे, पांच टाइप का प्राइस मिलेगा। बट एक चीज़ जो हम फॉलो करते हैं या हम बताना चाहेंगे कि सस्ता बार बार करने से अच्छा है एक बार एक चीज़ अच्छा ले लो, है ना। महंगा आपने नहीं बोला, महंगा क्योंकि हम इसलिए नहीं बोले क्योंकि महंगा है नहीं, है नहीं। महंगा अलग चले आता है। एक चीज़ जो इनकोर ऑटोज बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, वैल्यू फॉर मनी। आप जो मनी दोगे उसका वैल्यू आपको रिटर्न में चाहिए होगा, तो महंगा कभी नहीं देंगे बट वैल्यू फॉर मनी चीज़ आपको मिलेगी। देख लो भाई, पूरी वाइट डस्टर में देखिए काफ़ी ज़्यादा वेरिएंट आ जाते हैं, बट ये 110 PS जो कि 85 PS आते हैं एंड 110 आते हैं। ये 110 है, टॉप वाली है, ये टॉप वेरिएंट है RXZ 110 PS का है। ये किलोमीटर एक बार देख लेना कितना है, किलोमीटर आपका 41,000 ज़्यादा नहीं चला है, 41,000 चला है। अब 110 PS में क्या होता है, आप डीजल में है ना, हाँ, सिक्स गियर ट्रांसमिशन मिल जाएगा, एक अलग रिवर्स गियर मिल जाएगा, तो सेवन गियर ट्रांसमिशन मिल जाता है। बिल्कुल सही, इसमें भी आपको कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है। इसका सीट कवर्स आप देख सकते हैं, आप पीछे से भी अगर देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है गाड़ी, ऑफ रोडिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं ये गाड़ी लोग। बिल्कुल, तो अगर आपका लॉन्ग ड्राइव है या डेली बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन एक बार देखा जाता है क्या है, तो गाड़ी बहुत ज़्यादा रिलायबल है। अच्छा, RXZ आप यहाँ पे देख पाओगे, ये आप बैजिंग देख सकते हैं RXZ 110 PS, नंबर गाड़ी का सब नंबर दिया हुआ है। आप चेक कर सकते हो, एक बार नंबर देखिए। देखिए बहुत टाइम क्या होता है, हमसे भी गलती होता है, काफी सारा जो भैया लोग हैं उन लोगों से भी काफी टाइम गलती हो जाता है कुछ वेरिएंट, क्योंकि इतना गाड़ी आता है हर एक वेरिएंट याद रखना पॉसिबल नहीं है जी। तो एक बार आप नंबर देखिए, भी ऑनलाइन चेक कर सकते हैं गाड़ी टॉप मॉडल है कि नहीं, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। प्राइस जानते हैं इसका, प्राइस जो है 2013 का गाड़ी है। आप जैसे बोले डस्टर का प्राइस देखिए बहुत कुछ है, तो ये 2013 का गाड़ी है, 2023 तक टैक्स पेड है, 110 PS है, RXZ है। अब बहुत बड़ा के कुछ बोलना नहीं है, जो प्राइस हम डायरेक्ट बताते हैं सिर्फ और सिर्फ 3,35,000 में दे देंगे। 335 में। अच्छा, अगर आप मार्केट देखेंगे तो शायद 12 का गाड़ी से ज़्यादा में बिक रहा है, बट जो अपना है वही हम बोलेंगे। 13 का गाड़ी है, 23 तक रोड टैक्स पेड है, टॉप एंड वेरिएंट
335। अब आगे होंडा सिटी, जैसा अभी अजीज भाई ने कहा कि लाइन लगा देंगे सिटी। तो अब आगे पहला सिटी, तो ये 2010 का सिटी है। हाँ, VMT है। अच्छा, टॉप मॉडल है। जी हाँ, इसमें आपको 2025 में ही इसमें लाइफ टाइम टैक्स मिल जाएगा। अच्छा, लाइफ टाइम टैक्स मिल जाएगा। 10 का गाड़ी है, लाइफ टाइम टैक्स मिल जाएगा। लेकिन ये दिखने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत पॉश लगता है। सही बात है। अगर आप अंदर से देखेंगे, अंदर से भी देखेंगे, तो इसमें आपका एक्स्ट्रा जो आता है होंडा का ही टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम आ जाएगा। कंपनी फिटेड वाली है। हाँ, कंपनी फिटेड है। स्टेयरिंग्स में आपको कंट्रोल मिल जाएगा। गाड़ी सुपर मिंट कंडीशन में है। इंटीरियर देख के पता कर सकते हो कि गाड़ी कैसे चला है, कैसे चल रहा है। अगर आप रियर व्यू लेंगे, हाँ, रियर व्यू भी एक बार देख लो। रियर व्यू भी आप लीजिए, काफ़ी अच्छा गाड़ी है। 2010 का है। हाँ, लाइफ टाइम टैक्स पेड है। हाँ, गाड़ी चला है 45,000 के अंदर गाड़ी चला हुआ है। हाँ, टायर से आप देख सकते हैं, टायर ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू है। टायर लगा हुआ है। सही बात है। ये आईवी टेक इंजन है। सो आपको पेट्रोल इंजन भी मिल जाएगा। एंड प्राइसिंग में अगर आते हैं, तो इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। सिर्फ और सिर्फ 280,000 में। 280,000 में, 280,000 में ये गाड़ी आप अपना बनाइए लाइफ टाइम टैक्स के साथ। 12 की 10 की गाड़ी है। अच्छा, 10 की लाइफ टाइम टैक्स है। जी हाँ, और VMT टॉप एंड वेरियंट है। अब इसके जस्ट बगल में एक डॉक्टर की गाड़ी है क्या, और एक सेम कलर की ये भी 2010 का है। हाँ, डॉक्टर ड्रिवन है। हाँ, लास्ट टाइम भी हम लोग आपको दिखाए थे। हाँ, वो उसमें आपका 3 सीटी था, उसमें भी डॉक्टर ड्रिवन दो गाड़ी था। हाँ, इस ईयर भी दिस टाइम भी एक और डॉक्टर ड्रिवन गाड़ी आया है। राइट 2010 की है। हाँ, ये SMT वेरियंट है। हाँ, और इसमें भी आपको 2025 तक रोड टैक्स मिल जाएगा। क्या बात है। इंटीरियर अगर आप देखेंगे, हाँ, तो मोर ऑर लेस सेम ही देखने को मिलेगा। सुपर मिंट कंडीशन में गाड़ी है। गाड़ी चला है आपका 47,000। क्या बात है। ऑल 4 पावर विंडोज मिल जाएगा, कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम, डुअल एयरबैग्स भी है। जी हाँ, इसमें भी आपको डुअल एयरबैग्स मिलेगा, और VMT में तो डुअल एयरबैग्स है ही। आप अगर लेफ्ट साइड देखेंगे, अच्छा, तो एकदम नीट एंड क्लीन। देखिए, सिटी का यही फायदा होता है। आप सिटी अगर लेंगे तो सिटी जैसा होना चाहिए भाई, बैठने के जैसा होना चाहिए। एक प्रीमियम गाड़ी अगर आप चला रहे हो, तो आपको वो प्रीमियम फील होना चाहिए, लगे कि हम भाई बैठे हैं ऑडी एकदम अच्छे पोर्श कार में। तो अब आ गए, ये पीछे से एक बार, ये भी IVTEC, इसमें बैजिंग भी है, SMT वेरियंट है। तो सेम ईयर का, सेम कलर का, सेम सेम प्राइस है क्या? सेम तो नहीं होना चाहिए, सेम नहीं होगा, क्योंकि वो टॉप मॉडल है। हाँ, तो ऐसा हम लोग नहीं करते हैं। तो इसका प्राइस हम लोग दे देंगे। हाँ, सिर्फ और सिर्फ 250,000 में। 250,000 ढाई लाख में आपको सिटी मिल रहा है। 10 का 25 टैक्स, वेरी लेस ड्रिवन, सुपर मिंट कंडीशन में। क्या बात है भाई, बिल्कुल। और सिर्फ 30,000 दोगे तो आगे वाला अलॉय मिल जाएगा विद लाइफ टाइम टैक्स। आपको लाइफ टाइम टैक्स और अलॉय भी मिल जाएगा। अच्छा, इसके लिए कितना देना पड़ेगा? देखिए, इसका पहले हम फीचर्स बता देते हैं। 2015 का गाड़ी है। 2015 का गाड़ी है। 2025 तक रोड टैक्स पेड है। अच्छा, गाड़ी VMT है। भाई, ये भी VMT है। इसमें आपको अलॉयज मिल जाएगा। अब देखिए, न्यू शेप में बहुत सारा अच्छा चीज आ गई है। जैसे आपको टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम मिल जाएगा, जो कि कंपनी फिटेड है। अच्छा, आपका टच स्क्रीन ओडोमीटर कितनी बड़ी है भाई, इतनी बड़ी होती है? जी हाँ। क्या बात है भाई। और इसका डैश भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी कितना अमेजिंग लग रहा है। जी हाँ, फुल्ली टच पैड है, फुल्ली टच पैड इसमें आपको। राइट, और पीछे से देखते हैं एक बार। पीछे से देखिए, आपको रेयर वेंट AC मिल जाएगा न्यू शेप में आपका। और एक एडिशन है, रेयर वेंट AC एवं आउटपुट मिल जाता है, पावर आउटपुट का। सही बात है। ये VMT है तो भाई इसमें भी वी का टैक्स बैजिंग दिखा दीजिए भैया। और भाई इसका ये शेप का अलग ही मजा है भाई, पीछे से देखने में, आगे से सेडान की क्लास है ये। अगर आप पेट्रोल चलाते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा एकदम आपका बगल से चले जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। राइट। सो ये गाड़ी का प्राइस जो है सिर्फ 5,25,000 में ये सिटी 15 का 25 VMT आप अपना बना सकते हैं। वाह, क्या बात है। अब आगे चलते, आगे का गाड़ी भैया दिखा देंगे, दीप भैया दिखाएंगे। तब तक के लिए तो दीप जी बताइए इसके बारे में कुछ। ये गाड़ी है फोर्ड इकोस्पोर्ट। हाँ,
2015 का गाड़ी है, 15 का गाड़ी है, 2025 तक टैक्स पेड है। अच्छा, फर्स्ट ओनर गाड़ी है। हाँ। इसका जो खासियत है ये किलोमीटर ड्रिवन चला हुआ है, ओनली 25,000 किलोमीटर ड्रिवन, ओनली 25,000 किलोमीटर। नहीं तो क्या होता है ना, ज्यादा से ज्यादा डीजल गाड़ी और बड़ा गाड़ी थोड़ा ज्यादा चलता है, ज्यादा चलता है। 2015 का गाड़ी आप अगर कंपेयर करोगे तो एटलीस्ट 45-50,000 के आसपास चलना चाहिए, राइट। तो बहुत ही कम चला हुआ बोल के ये गाड़ी हमने लिया था। फुल बम्पर टू बम्पर ओरिजिनल पेंट में है, ओरिजिनल पेंट में, पूरी नॉट ए सिंगल पार्ट टचअप हुआ, नॉट ए सिंगल पार्ट। ठीक है, गाड़ी का मैं एक बार इंटीरियर दिखाना चाहूंगा, आप इंटीरियर दिखा लो गाड़ी का, क्या बात है। और गाड़ी का जो टायर है 25,000 चला है, मतलब टायर बहुत ही कम चला है, बहुत ही सब कुछ यूज जो होता है ना, जो कम चला हुआ गाड़ी होता है तो उसका यूज भी बहुत कम होता है, राइट। तो इसका जो हम लोग आज इनकोर ऑटोज की तरफ से प्राइस रखे हैं वो ओनली 4,35,000, ओनली 4,35,000। ये 2015 का इको स्पोर्ट ट्रेंड मॉडल है। ये आपका बेस मॉडल नहीं होता है, मिड मॉडल होता है, मिड मॉडल आपका टाइटेनियम होता है, राइट। तो ट्रेंड मॉडल है, डीजल है, फर्स्ट ओनर है, 25,000 किलोमीटर ड्रिवन चला हुआ है, प्राइस है 4,35,000। पीछे से भी देख लो भाई, कमाल की लग रही है, स्टेपनी भी पूरी अनयूज्ड है, अनयूज्ड लग रही है, अनयूज्ड है। अब आगे ये वेंटो है क्या? राइट, वेंटो है। ये गाड़ी अभी आया है, थोड़ा देर पहले ही आया है गाड़ी। ये आपका 2011 की गाड़ी है। अच्छा, 11 की है, 2011 की गाड़ी है, हाईलाइन है, टॉप मॉडल है। अच्छा, इसका जो प्लस पॉइंट है ये लाइफ टाइम टैक्स पेड है, ये लाइफ टाइम टैक्स पेड है। अच्छा, और गाड़ी आपका एक दो पार्ट टचअप हुआ, नॉट मैं नहीं बोलूंगा कि फुल ओरिजिनल पेंट में है, 2011 की गाड़ी है। अच्छा, एक दो पार्ट टचअप हुआ जी, जैसे कि सामने का बम्पर, सामने का बम्पर ये टचअप हुआ। गाड़ी का पॉलिश बाकी है। अच्छा, ठीक है, गाड़ी में पॉलिश सर्विस सब कुछ करवा के मैं आपको ये गाड़ी दे दूंगा। कितने में दे देंगे आप बोलिए, 2011 का गाड़ी कितना होना चाहिए? टैक्स आने वाला है? नहीं, लाइफ टाइम टैक्स है। अच्छा, लाइफ टाइम टैक्स है। एक्चुअली मैं और एक चीज़ बताना चाहूँगा राजीव भाई, कि मैं देखा आपका वीडियो में बहुत सारा गाड़ी मतलब बिक रहा है, बहुत सस्ता में भी बिक रहा है, लेकिन सच बोल रहा हूँ मैं वो प्राइस में गाड़ी उठा नहीं पाता। ठीक है, पता नहीं कैसे दे देता है, कैसे दे रहा है मुझे पता नहीं, मैं किसी का मतलब बुराई करना नहीं चाहूँगा, जो दे रहा है अच्छा बात है, लेकिन मैं वो प्राइस में नहीं दे सकता हूँ। 2011 की गाड़ी है, हाईलाइन है, डीजल है और लाइफ टाइम टैक्स वैलिड है। ये अच्छा। गाड़ी आपको मैं दे दूंगा 2,70,000 में, 270 में दे दूंगा, 2,70,000 लाइफ टाइम टैक्स है, लाइफ टाइम टैक्स के साथ। क्या बात है, डीजल है ना अभी इसका। हाँ, एक बार इंटीरियर दिखा लीजिए। हाँ, इसका सर्विस और पॉलिश बाकी है, वो मैं करके आपको दूंगा, वो करके आप दे देंगे, राइट। ठीक है, टायर भी एकदम ब्रांड न्यू है। हाँ, और आफ्टर मार्केट इसका एलॉय व्हील्स लगा हुआ है, आफ्टर मार्केट जी। हाईलाइन का ऐसे ही एलॉय व्हील्स आता है, लेकिन ये एलॉय व्हील्स जो है वो आफ्टर मार्केट लगाया हुआ है, राइट। तो अब चलते हैं अगली कार की तरफ, जो कि क्या वेंटो होगी? नहीं, ये वेंटो हो गया। पोलो, अगली कार जो दिखाएंगे हम लोग की पोलो दिखाएंगे। हाँ, ये पोलो देख लो भाई, ये भी ब्यूटीफुल लग रही है। अच्छा, वो और एक चीज बोलना भूल गया, वेंटो चला हुआ है आपका 40 के आसपास चला हुआ है। अच्छा, ठीक है, ये कितना चला है? ये आपका चला हुआ है वही 43-44,000 के आसपास चला हुआ है। इसका भी एक क्लास पॉइंट है, गाड़ी फुल बम्पर टू बम्पर ओरिजिनल पेंट में, फुल। अच्छा, ईयर क्या है? ये आपका फुल बम्पर टू बम्पर ओरिजिनल पेंट में है, प्लस ये हाईलाइन 1.5 TDI है। अच्छा, हाईलाइन का दो वेरिएंट आता है, एक 1.2 और एक 1.5। ठीक है, ये फुल टॉप एंड मॉडल है, 1.5 TDI है। गाड़ी में पावर ज्यादा मिलता है 1.5 में, आपको पता ही होगा। और 2014 की गाड़ी है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, 24 तक रोड टैक्स पेड है। गाड़ी फुल बम्पर टू बम्पर ओरिजिनल पेंट में है। क्या बात है, गाड़ी में नॉट ए सिंगल पेनी आपको एक्सपेंस करना होगा गाड़ी के पीछे, राइट। डीजल वेरियंट है और गाड़ी आपका चला हुआ है 43-44 के आसपास चला हुआ है। अब इसका भाई सीट भी देख लो, इसका भी सीट कवर देख लो, ब्राउन कवर लगा हुआ है ये गाड़ी के साथ, ये मैच होके। हाँ, अभी इसका पॉलिश बाकी है। अच्छा, सर्विस हो गया, गाड़ी का पॉलिश बाकी है, वो मैं करके दूंगा, वो करके आप दे दो। हाँ, और ओरिजिनल पेंट का ना एक मजा आता है, पॉलिश के बाद गाड़ी पूरा ब्रांड न्यू दिखता है, वो गाड़ी अगर रिपेंट हो जाता है ना, पूरा गाड़ी अगर रिपेंट रहता है तो उसका उतना ग्लेज नहीं आता है जितना आपका ओरिजिनल पेंट का आएगा। बिल्कुल सही बात है। तो ये जो देखिए, ये इसका और एक चीज में बताना चाहूंगा ना, इसका कहीं पे कोई दाग नहीं है, बिल्कुल कहीं पे आपका भी जो सेफ ड्राइव सेफ लाइफ का जो
ये आया था कैंपेन आया पुलिस का, ये स्टिकर लगा हुआ है, लगा हुआ है। अगर किसी को प्रॉब्लम है ये स्टिकर लेके, तो उसके लिए आपको ये पेंट करना होगा क्योंकि ये स्टिकर उठता नहीं है, ये उठता नहीं, उठाएंगे तो कलर उठ जाएगा। हाँ, उठाएंगे तो कलर नहीं उठेगा, इसका ना एक तो स्पॉट रह जाता है, अच्छा अच्छा, और खराब दिखता है, और खराब, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको करवाया नहीं। अगर आपको पसंद नहीं आएगा मतलब ये स्टिकर के लिए, तो पेंट करवाना होगा, वो मैं करवा के देंगे, राइट। इसका प्राइस जानते हैं? तो इसका जो प्राइस होने वाला है इनको डॉटर्स की तरफ से, आज हम लोग इसको दे देंगे 3.5 लाख में। 3.5 ईयर आपने बताया नहीं था क्या था? ये हाईलाइन है 2014 की, 14 की गाड़ी, राइट। 24 तक रोड टैक्स वैलिड है, फास्ट ओनर गाड़ी, 44,000 किलोमीटर हैज बीन ड्रिवन विद सर्विस रिकॉर्ड, और गाड़ी फुल बम्पर टू बम्पर ओरिजिनल पेंट है, नॉट अ सिंगल पर टच अप हुआ, राइट, बिल्कुल सर। इसलिए आपको पुश बटन स्टार्ट मिल जाएगा। अरे क्या बात है, पुश बटन स्टार्ट भी है? हाँ, पुश स्टार्ट बटन भी है, और इसमें आपको जो कीलेस एंट्री है, कीलेस एंट्री तो वो फिंगर टच वाला है, अच्छा, तो आपको वो भी मिल जाएगा। हाँ, क्लाइमेट कंट्रोल डिजिटल एसी मिल जाएगा। अरे वाह, गाड़ी चला हुआ है आपका अराउंड 43-44 के आसपास, ठीक है। गाड़ी विद सर्विस रिकॉर्ड चला हुआ है जी, गाड़ी दो तीन पार्ट टचअप हुआ, जो जेन्युइन बात है मैं वही बोलूंगा, ऐसा नहीं है कि फुल गाड़ी है ओरिजिनल पेंट में, दो तीन पार्ट टचअप हुआ, राइट, और बाकी का जो है फुल ओरिजिनल है, फुल ओरिजिनल पेंट में। स्विफ्ट डिजायर देख लो भाई, लिखा हुआ है स्विफ्ट, काफी अच्छा लगता है ये, जब बहुत दिखता है, बहुत डिमांड है। और डिजायर ZXi जो है वो पेट्रोल वेरिएंट। प्राइस जानते हैं इसका? तो इसका जो हम लोग अब इनको डॉटर्स की तरफ से प्राइस रखे हैं वो ओनली 4,40,000 अच्छा। अब ये टाटा की मांजा है क्या, राइट? इसके बारे में थोड़ा सा बोल रहे थे कि ये बीच में एक धमाका देंगे, बीच में एक धमाका देंगे। हाँ, अच्छा, ये है टाटा मांजा। हाँ, 2010 की गाड़ी है, 10 की गाड़ी है, 2010 की गाड़ी है। हाँ, लाइफ टाइम टैक्स पेड है, अच्छा, गाड़ी पेट्रोल वेरिएंट में है, वाह, ठीक है। हाँ, और गाड़ी का हल्का फुल्का काम है जो मैं करके दूंगा, ये भी गाड़ी कल रात में आया है जी, तो ये मैंने देखा था एक आपका ही वीडियो में देखा था, कल परसों का वीडियो था, 2008 का गाड़ी शायद टाटा इंडिका बेच रहा था 1 लाख के आसपास में था, तो ये 2010 की गाड़ी विथ लाइफ टाइम टैक्स, फास्ट ओनर गाड़ी, ये मैं आपको दे दूंगा 1,30,000 में, 1,30,000 में देंगे, 1,30,000 में दे दूंगा। एक्चुअली ये गाड़ी एक्सचेंज में आया था, ये गाड़ी एक्सचेंज करके दूसरा गाड़ी लिया है, इसलिए आपने रख लिया, इसलिए हम रख लिया, बिल्कुल, नहीं तो ऐसा गाड़ी तो मैं नहीं रखते, नहीं हम लोग ऐसा गाड़ी नहीं रखते हैं, एक सेगमेंट होता है सबका, अलग अलग सेगमेंट होता है, तो हम लोग थोड़ा ऊंचा सेगमेंट, VX मॉडल है, अच्छा VX मॉडल, इनोवा का आपको पता होगा जी आता है, वी आता है, उसके ऊपर आता है VX, ये VX मॉडल है। हाँ? 2009 की गाड़ी है, 9 की गाड़ी है। हाँ, फास्ट ओनर गाड़ी है, 2024 तक रोड टैक्स वैलिड है, बिल्कुल फास्ट ओनर गाड़ी है, ये CID ऑफिसर का गाड़ी था, अच्छा है? हाँ, फास्ट ओनर गाड़ी है, गाड़ी 90% ओरिजिनल पेंट में है, 90% ओरिजिनल पेंट में है, अच्छा, गाड़ी जेन्युइन चला हुआ है 1.5 लाख के आसपास, 1.5 लाख के आसपास चला, हाँ, 1.5 लाख, क्योंकि देखो टोयोटा का इंजन 3 लाख तक कंपनी वारंटी प्रोवाइड करता है, जो लोग समझेगा वो एक मीटर कम करके मैनिपुलेशन करके उसको बेचना और सही चीज़ देना में बहुत डिफरेंस है, बड़ा गाड़ी चलता है, तो 2009 का गाड़ी है, 1.5 लाख चला हुआ है गाड़ी, और इसका जो हम लोग प्राइस रखे हैं वो इनको ऑटोज की तरफ से वो ऑनली 3,49,000। मैंने देखा 2009 का गाड़ी मार्केट में बिक रहा है 3,80,000-3,90,000 में बिक रहा है, तो ये हम लोग इनको ऑटोज की तरफ से जो प्राइस रखे हैं वो 3,49,000 गाड़ी, इनोवा 2.5, अंदर देख लो एक बार, अंदर एक बार, तो डैशबोर्ड वगैरह देख लीजिए, पीछे देख लीजिए, काफ़ी स्पेस है, और ये मतलब पीछे भी बैठने के लिए है ना? हाँ, पीछे भी आपका बैठने के लिए सीट मिल जाएगी, अच्छा अच्छा, क्या बात है, राइट। और यहाँ पे आप देख ही लो इनोवा, बैक वाइपर ये सब मिल जाएगा क्योंकि ये टॉप मॉडल गाड़ी है, ये सब मिल जाएगा, सही बात। अब अगली कार क्या होगी? अगली कार होगा और एक i20 दिखाएंगे, i20, एक और एक गाड़ी है i20 है, वो 2011 की गाड़ी है, स्पोर्ट्स मॉडल है, अरे वाह, डीजल वेरियंट है वो,
तो उसका एक प्लस पॉइंट है बाहर के कस्टमर के लिए, जैसे तेलंगाना, हैदराबाद, बेंगलोर बहुत डीजल I20 चलता है, उसका अभी तक टैक्स फेल नहीं हुआ। अच्छा, उसका NOC उठ जाएगा। 2011 की गाड़ी है, 2021 तक टैक्स वैलिड है। अच्छा, फास्ट ओनर गाड़ी है, गाड़ी चला हुआ बहुत ही कम 40,000 चला हुआ है, राइट, विद जेन्युइन सर्विस रिकॉर्ड। मैं जितना भी गाड़ी बता रहा हूँ मैं बार बार बोलना चाहूंगा विद सर्विस रिकॉर्ड ही चला हुआ है मेरे पास गाड़ी। क्या बात है, 40,000 चला हुआ गाड़ी में आप 100% ओरिजिनल पेंट बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत स्क्रैचेस है, अभी तक कुछ पेंट नहीं करवाया, उसको रिपेंट नहीं करवाया। अगर कस्टमर का रिक्वायरमेंट होगा तो मैं करके दूंगा, वो आपको दे दूंगा 195,000। 2011 की गाड़ी, 21 तक टैक्स पेड है, अभी भी टैक्स वैलिड ऐसा नहीं है, टैक्स एक्सपायर कर गया, राइट राइट, तो वो मैं 195,000 में दे दूंगा। बिल्कुल, तो आगे का कलेक्शन अजीज भाई दिखाएंगे, तो देखते हैं, आशा करता हूँ कि। चलिए नमस्कार, तो चलिए अजीज भाई अगली कार की तरफ आ गए, जो कि ये ब्रियो, 2012 की ब्रियो है। अच्छा, और गाड़ी VXMT है, टॉपिक वेरिएंट VMT है, इसमें आपको अलॉय व्हील्स मिल जाएगा, एयरबैग्स मिल जाएगा, और क्या बात, कॉम्पैक्ट। और ये कलर के बारे में कुछ बताइए, कलर ओरिजिनल है, आप देख के बता सकते हो, क्या जो ओरिजिनल का जो ग्लॉसी में होता है वो दिख रही है, पेंट में आता नहीं। अच्छा, तो ये ओरिजिनल, पूरी ओरिजिनल है भाई, यहाँ पे आपको देख के आइडिया लग जाएगा, हल्की सी जो स्क्रैच है इससे आइडिया लगेगी कि ये ओरिजिनल पेंट है। आपको बम्पर टू बम्पर ओरिजिनल पेंट मिल जाएगा, 12 का गाड़ी है, 22 तक टैक्स मिल जाएगा। अच्छा, इंटीरियर देख लीजिए, इंटीरियर कितना क्लीन है, प्रियो आपको मिल जाएगा ओरिजिनल पेंट का सिर्फ और सिर्फ 2,20,000 में, 2,20,000 में, 2,20,000 में आपको मिल जाएगी ये ब्रियो। हाँ। अब अगली कार की तरफ चलते हैं, जो कि है जियो, वैगनार की तरफ। वैगनार ये भी 2012 की होने वाला है। अच्छा, ये भी 12 कलर का गाड़ी है। हाँ। तो वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग गाड़ी माना जाता है मारुति फैमिली से, मारुति फैमिली, और बंगालीज काफ़ी ज़्यादा प्रेफर करते हैं बंगाली जेंटलमैन, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिलायबल होता है। हाँ। और माइलेज इसका क्या ही कहना है, 2,500। सो ये भी आपका थोड़ा बहुत चक्कर थे, बाकी मेजोरिटी ऑफ द कार ओरिजिनल पेंट, VXI वेरिएंट है, टॉप मॉडल का गाड़ी है। ये किलोमीटर क्या चलिए, ये भी आपका 45,000 के आसपास चला हुआ है। जी हाँ, टायर देख के आप पता कर सकते हैं, टायर भी अच्छा कंडीशन में है, ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू आपका 35,000 to 40,000 में टायर चेंज होता है। जी, तो चारों टायर आपको अच्छा कंडीशन में मिल जाएगा। हाँ, ये VXI है ना, टॉप VXI वेरिएंट है। आ जाते हैं तो इसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ 2,35,000 में, 2,35,000 में 12x22 वैगनर टॉप मॉडल, टॉप मॉडल। तो एक और कार है यहाँ पे जो कि अजीज भाई बताएंगे इसके बारे में, स्विफ्ट, लास्ट गाड़ी हम लोग मारुति का दिखाएंगे, वो भी काफ़ी डिमांडिंग था, ये भी काफ़ी डिमांडिंग गाड़ी है, क्या बात है, वन ऑफ द पावरफुल इंजन आते हैं। तो ये स्विफ्ट होने वाला है, ये थोड़ी पेंट की हुई है लग रहा है। हाँ, ये पेंट नहीं, ये पॉलिश कलर है एक्चुअली गाड़ी का। अच्छा, यही कलर है। हाँ, तो पॉलिश प्रोसेसिंग में था। हाँ, तो पॉलिश प्रोसेसिंग नहीं है, दूसरी थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा शायद। हाँ। अभी पॉलिश चल ही रहा है। तो ये 2012 का स्विफ्ट VTI है, डीजल इंजन आपको मिल जाएगा, मिड वेरिएंट है। तो क्या बताया आपने इसका, आपका 45,000 के आसपास चला हुआ है गाड़ी, तो प्राइस जानते हैं। और इंटीरियर देखिएगा तो सेम बाहर जैसा ब्लू कलर का है। अच्छा, दोनों कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन में गाड़ी है, क्या बात है। और गाड़ी का प्राइस काफी ज्यादा अट्रैक्टिव होने वाला है, 2,65,000 में 12 का स्विफ्ट VTI, और ये भी 12 का एंड का गाड़ी है, तो आपका 22 का पूरा टैक्स मिल जाएगा। तो गाइज, आई होप कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो। ऑफकोर्स, अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सपोर्ट करिए, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो और ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। और अगर, और कल आप रेडी रहिए भाई, 9 बजे का वेट करिए, भाई का वीडियो आ रहा है कल, और काफ़ी ग्रैंड वीडियो आने वाला है, क्या तो 9 बजे तोड़ के भेजिएगा एकदम, मतलब लास्ट इनका वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद मेरा ही आने वाला है। Okay. Thank you so much.